एक प्रश्न पूछा गया है विपस्सना के संबंध में कि जब कोई कृत्य कर लिया जाता है उसके बाद उसका पश्चाताप होता है, उसके बाद उसका ख्याल आता है, जबकि कृत्य करते समय तो वह याद ही नहीं आता, भूल जाता है। और दूसरा कि द्वैत और अद्वैत मनुष्य के अंदर ही है, लेकिन क्या है, कैसे महसूस करें, कैसा पता चले, यह प्रश्न है। तो पहली बात तो हमें विचार करना होगा कि कोई भी कृत्य कर लेने के बाद जो उसका पश्चाताप हो रहा है कि यह कृत्य क्यों कर दिया गया, इससे पहले इसका ख्याल क्यों नहीं आया, इससे पहले यह बात हमारे समझ और हमारे पकड़ में क्यों नहीं आई, हम देख क्यों नहीं पाए। तो यहीं से आनापान स्मृति योग का पता चलता है कि वह हमारी जिंदगी में कितना सदा हुआ है। आनापान स्मृति योग से हमें बार बार अपने उठ रहे विचार को और अपने अंदर मन कितना रुका हुआ है, कितना चल रहा है, स्मृति और विस्मृति का पता चलता है। आनापान के अलावा ऐसी कोई साधना नहीं जिससे हम यह अंदाजा लगा पाएंगे अपने अंदर कि मैं होश में हूं या मैं होश में नहीं हूं। और आनापान स्मृति, आनापान सती, सती को स्मृति कहते हैं, स्मृति का अर्थ ही यही है कि मुझे यादाश्त मेरी बनी हुई है, मेरी याद है मुझे, मैं क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं और कहां पर हूं अभी, इसका मुझे होश है, इसको स्मृति कहते हैं, याद कहते हैं। लेकिन हमें याद नहीं रहता, आपने देखा ही है, हम सबका अनुभव ही है यह कि हमें पता ही नहीं चलता, हम उठकर नहा धोकर कब तैयार होकर ऑफिस के लिए चले जाते हैं और ऑफिस पहुंच जाते हैं, एक मैकेनिक्स की तरह हमारे अंदर काम चल रहा है, हमें होश ही नहीं है, हम पूरी तरह से जगे नहीं हैं, हमारी याददाश्त पूरी तरह से नहीं है। सोचो, घर से निकलते हुए ऑफिस जाते हुए रास्ते में जो रोज का रास्ता है उसमें हम ऐसे चलते हैं जैसे कोई गाड़ी चल रही हो, जैसे कोई पुतला चल रहा हो, जैसे कोई इंजन चल रहा हो कि उसे इस तरह से सेट कर दिया गया है, जैसे कोई मशीन चल रही हो उसे इस तरह से सेट कर दिया गया है, वो वहीं जाकर रुकेगी, उसी रास्ते में रोज उसी रास्ते में चलते, हमें पता ही नहीं चलता। कभी कोई स्मृति जगती है, कभी कोई याददाश्त जगती है जब कोई हेलो गुड मॉर्निंग कह देता है रास्ते में, आंख तो देख रही है, एकदम से ख्याल उठता है अरे गुड मॉर्निंग, पता चलता है कि गुड मॉर्निंग भी कब निकल गया, वो भी एक इसी तरह से फ्लो में निकल रहा है मशीन की तरह, लेकिन आंख देख रही है, हाँ, और आंख देखते ही अंदर कोई रीड कर रहा है ब्रेन में, वो कहता है ये मिस्टर राम है जिन्होंने गुड मॉर्निंग कहा। अगर उससे पूछेंगे हम आगे चलकर ऑफिस में कि तुम्हें कौन मिला था गुड मॉर्निंग कर रहा था, तो वो कहेगा मिस्टर राम थे, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपका ब्रेन किस तरह से इंद्रियों के जरिए चीजों को लेकर किस तरह से एक्टिव रहता है और किस तरह से वहां फोटो बना लेता है और उस फोटो को मैच कर देता है आपके सबकॉन्सियस से कि वहां कोई याददाश्त पहले से ही है, वहां कोई उस तरह का व्यक्ति, उसकी छाप, उसकी फोटो पहले से ही रखी हुई है जिसको उसने मैच कर दिया। यह ब्रेन का मैकेनिज्म देखते हैं आप, इस मैकेनिज्म की वजह से मैं मिस्टर राम को गुड मॉर्निंग भी कह देता हूँ लेकिन मैं होश में नहीं हूँ, मैं चला जाता हूँ लेकिन मेरी याददाश्त भी पूरी है, लेकिन मैं उस होश में नहीं हूँ जिस होश को बुद्ध कहते हैं। आनापान स्मृति से बार बार अपने को वापस लाने
कि जो प्रक्रिया है इसी से बार बार स्मृति को जगाया जाता है। हम फिर सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुस्त पड़ जाते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर एक याद उठती है अचानक कहीं से कि मुझे तो अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए। फिर स्मृति जगती है कि हाँ, मैंने अपनी सांस को अब देखना शुरू कर दिया है। सांस आई, मेरे नाक से अंदर गई, उसने मेरे किसी अंग को ऊपर उठाया, अंदर कोई हलचल हुई, फिर सांस बाहर आई और मुझे पता चला कि सांस बाहर आ गई। फिर एक स्मृति जगी है और फिर काम शुरू हो गया है। इस स्मृति को बार बार जगाना होता है। अगर हम बार बार जगाएंगे नहीं इसको, अगर हम यह सोचें कि सुबह कर लिया, 4 बजे उठ गए और कर लिया, फिर उसके बाद अपने काम में लगे हुए हैं, फिर उसके बाद याद ही नहीं है, फिर शाम को आते हैं 7-8 बजे घर पहुंचते हैं, अपने सब काम काज निपटा के, ऑफिस और व्यवसाय निपटा के, और फिर अगर मन आया तो फिर कर लिया, नहीं आया तो टेलीविज़न देख लिया, मोबाइल देख लिया, फिर अगले दिन सुबह उठ गए, फिर थोड़ी देर। उस थोड़ी देर में भी कितनी देर हम अपनी सांसों को देख पाते हैं, जरा हमें अपने ऊपर विचार करना चाहिए। हम सबको हमें अपने बारे में पता है कि हमारा जीवन किस तरह से चल रहा है, और जिस तरह से हमारा यह जीवन चल रहा है इसमें हमें बुद्ध की अनात्मता की स्मृति ही नहीं जगती। अभी बहुत सारे वीडियो पाइपलाइन में हैं जो बनेंगे, जिनमें अनात्मता के सिद्धांत को, जिसमें प्रतित्य समुत्पाद के सिद्धांत को हमने बहुत डिटेल में बात करनी है, जिसमें 2-3 एपिसोड या 4 एपिसोड अभी बन गए हैं जिसमें हमने बात की। उसमें हमने अज्ञानता की अभी बात करनी है, अभी हमें उसमें इग्नोरेंस पर बात करनी है, जो पहला प्रतित्य समुत्पाद का 12 कड़ियों में से पहली कड़ी है, जहाँ से मनुष्य इस भवलोक में फंसता है, वहां हम बात करेंगे। और उससे पहले अनात्मता की जब बात बुद्ध ने कही तो यही कहा कि हमें अपनी मौत की याद नहीं, हमें याद ही नहीं कि यह सब कुछ अनात्म है, यह सब कुछ चले जाने वाला है। जैसे ही जीवन मिला उसी समय मृत्यु चारों तरफ से घेरे हुए खड़ी है, उसी तरह से बुढ़ापा भी चारों तरफ से घेरे खड़ा है। पता नहीं बुढ़ापा आए या ना आए, लेकिन मौत तो निश्चित ही आएगी। बच्चे को भी आ सकती है, अभी नवजात शिशु पैदा हुआ है, लेकिन मौत सामने का आकर खड़ी है, चारों तरफ से घेरे हुए है। नवजात शिशु को भी आ सकती है, उसका बुढ़ापा आना जरूरी नहीं, उसकी जवानी आनी जरूरी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही जीवन आया मृत्यु साथ साथ चली आती है। यही अनात्मता है, रहने वाला कुछ भी नहीं, सब विनष्ट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। यह होश नहीं है, यह होश नहीं है, तो इसीलिए जब कोई कृत्य हो जाता है तो उसके बाद उसकी याद आ रही है। क्यों? क्योंकि स्मृति ही नहीं जगी है, अनापान सति का बहुत गहरा अभ्यास नहीं है, अनापान सति के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि सुबह 4 बजे उठ गए, अनापान स्मृति कर ली, उसके बाद विपस्ना भी कर ली, लेकिन फिर भूल गए, फिर पूरे दिन क्या करते हैं? कितने विचार उठे, हमने उन विचारों को देखा नहीं। जो भी हम कृत्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नहा रहे हैं, रोड में चल रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, बर्तन मल रहे हैं, इसमें आनापान स्मृति कोई याद नहीं हमें। सब एक मैकेनिक्स की तरह, सब एक मशीन की तरह चल रहा है। इसीलिए जब कृत्य हो जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि अरे ये तो हो गया, और फिर दुख घेर लेता है। क्यों? क्योंकि क्रोध कर दिया, क्योंकि मारपीट कर दी, क्योंकि झगड़ा कर दिया, क्योंकि बहस कर दी, क्योंकि वह कर दिया जो नहीं करने की कसम खाई है। फिर पछतावा घेरता है, फिर दुख घेरता है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं कि अनात्मता की याद रखनी चाहिए, और अनात्मता की याद जीवन, जरा और मृत्यु की याद जिसको आ गई वही फिर साधना कर पाएगा, नहीं तो साधना नहीं होने वाली। क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम इतने मस्त हो जाते हैं, इतने मदमस्त हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा लुभावना संसार है यह।
इस लुभावने संसार को देखकर इसमें अपनी स्मृति को जगाने का सिर्फ एकमात्र उपाय है आनापान स्मृति। और आनापान स्मृति बार बार जितनी देर ठहरेंगे अपने आनापान स्मृति में, जितनी देर सांसों को देखेंगे, दृष्टा की तरह ऑब्जर्व करेंगे दूर खड़े होकर, जितनी देर वहां ध्यान टिकेगा उतनी ही देर स्मृति जगने की संभावना है। और जैसे जैसे स्मृति जगेगी उसमें ड्यूरेशन बढ़ेगा, उसमें टाइम बढ़ेगा, उतने ही अनुपात में हमें हमारा होश बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तब जब क्रोध उठेगा तो पहले होश जगेगा कि हम क्या कर रहा हूं, अनात्मता की याद आ जाएगी कि सब चले जाने वाला है, यह क्षण भी बीत जाएगा, चुप रहो, जो हो रहा है उसको देखते रहो, उसमें रिएक्शन करने की जरूरत नहीं, उसमें रिएक्शन नहीं करना, उसमें वह नहीं करना जिससे तकलीफ बढ़ेगी, जिससे कर्म बढ़ेंगे। इसको इस तरह से देखना है कि किस तरह से हम दृष्टा भाव में रहते हुए उसको, उस कार्य को जो सामने ही खड़ा हो गया है, उसको संपन्न किया जा सकता है अछूता रहे हुए। इसके लिए बार बार अपने आप को वापस लेके आना होगा, अपनी स्मृति को बार बार वापस करने की एक ट्रेनिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग नहीं है, अगर यह सोच लिया कि शाम को तो किया था, अब आज टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो फिर यह जो वक्त चल रहा है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम बेहोश हैं। और फिर वही कृत्य हो जाने वाला जिसके परिणाम दुखद आएंगे, फिर दुख होगा, फिर पीड़ा घेर लेगी और फिर कर्म घेर लेंगे, फिर कर्मों का सिलसिला फिर शुरू ही होने वाला है, फिर कहीं रुकने वाला नहीं और फिर कोई गति नहीं होने वाली। और यह द्वैत, यह अद्वैत क्या है, इसी प्रश्न का हिस्सा है कि यह द्वैत और अद्वैत पता क्यों नहीं चलता कि क्या द्वैत है और क्या अद्वैत है। मनुष्य के अंदर अभी दो विचार एक साथ खड़े हैं, उन दो विचारों को देखता है वह, क्या अच्छा और क्या बुरा। सोचो, कभी आपने महसूस किया इस बात को, एक व्यक्ति का बच्चा नहीं है, वह इसलिए परेशान है कि उसका बच्चा नहीं है, अगर उसका बच्चा होता तो उसकी मदद होती आज। वहीं पड़ोसी के घर में बच्चा है जो शराब पीकर आता है और गाली गलौज और मारपीट करता है और अपने माँ बाप को गाली देता है, गंदी गंदी गालियां। वह यह सोच रहे हैं माँ बाप कि यह बच्चा नहीं होता तो हम खुश होते, और वह यह सोच रहे हैं कि यह पड़ोस में जो आदमी है यह ज्यादा खुश है, ज्यादा खुश है क्योंकि इसका कोई बच्चा नहीं और इसलिए यह इस परेशानी से, इस दुख से बचा हुआ है जो हम झेल रहे हैं, रोज मारपीट, झगड़ा, गाली गलौज। अब आप देख रहे हैं, बच्चे से एक व्यक्ति परेशान है कि वह गाली गलौज मारपीट करता है, वहीं दूसरे का बच्चा नहीं है वह परेशान है। कारण क्या है कि दो विचार एक साथ है मन के अंदर, एक कहता है कि बच्चा नहीं होगा तो हमारी देखभाल कौन करेगा, हमारी सुरक्षा कैसे होगी, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो बच्चे से परेशान है, उसके मन में यह विचार है कि यह बच्चा नहीं होता तो हम ज़्यादा सुखी होते। तो यह सुख और दुख इन दो विचारों से चल रहे हैं, एक एक के लिए जो सुख है दूसरे के लिए वो दुख है, दूसरे के लिए जो दुख है वो पहले के लिए सुख है। अब आप देख रहे हैं, दोनों विचार हैं, हकीकत दोनों में से किसी की नहीं, दोनों ही अनात्म है, यह दोनों ही द्वैत है। इसके पीछे एक अद्वैत है, जब स्मृति जगती है, जब होश जगता है, जब धम्म का प्रादुर्भाव होता है मनुष्य के अंदर, वह अद्वैत जो है वही धर्म है। और वह अद्वैत में फिर यह दोनों विचार नहीं दिखाई देते, फिर अद्वैत में सिर्फ एक दृष्टा दिखाई देता है जो देख रहा है, लेकिन क्या अच्छा है क्या बुरा है, जिसको बुद्ध ने कहा कि दुख और सुख से ऊपर उठ जाना कमलवत, कीचड़ में से कमल जैसे ऊपर उठ गया, उस तरह से इस संसार के दुख सुख से ऊपर उठ जाना द्वैत से ऊपर उठ जाना है।
अद्वैत में आ जाना है। यहां दुख सुख फिर प्रभाव नहीं डालता। बुद्ध के लिए राजमहल में रहना और जंगल में रहना कोई फर्क नहीं। बुद्ध के लिए अपने और पराये में कोई फर्क नहीं। तभी तो बुद्ध ने अपने बेटे को भिक्षा पात्र थमा दिया। क्या संसार में कोई बाप अपने बेटे को भिक्षा पात्र थमाएगा? क्या कोई बाप अपने बेटे को यह कहेगा कि जा तू मांग के ला और अपना पेट भर? बड़ी पीड़ा होती है। इस संसार को देखते हैं ना, हम जी रहे हैं इस संसार में, हमारे ही बच्चे हैं। क्या हम उन बच्चों से यह एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन बुद्ध कहां देख रहे हैं? बुद्ध की नजर कहां है? बुद्ध की दृष्टि कहां है? बुद्ध का भाव क्या है? बुद्ध कौन है? कभी हम महसूस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम द्वैत में हैं, क्योंकि हम पीड़ा और दुख में हैं, क्योंकि हम बेहोश हैं, क्योंकि हम प्रमादवश जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई स्मृति नहीं जगी। हम करते जरूर हैं आनापान स्मृति। कितनी आनापान स्मृति की आवश्यकता है, कितना विपश्यना की आवश्यकता है। तभी तो बुद्ध कहते हैं कि अंतिम सांस तक, जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए, तब तक हमें ध्यान करना है, हमें गहरे में विचार करना होगा।